तो इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संसद में संबोधन दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल पूरा हुआ है, तो मेरे लिए देश के लोगों की सुरक्षा अहम है, ऐसा कहना है पुतिन का। साथ ही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। रूस ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, ऐसा कहना है पुतिन का। तो बड़ा बयान यहां पुतिन ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में सक्षम है, अमेरिका ने सीरिया इराक जैसा खेल खेला है। तो पुतिन ने अमेरिका पर भी कई आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने सीरिया और इराक में खून जैसा खेल खेला है और हम बातचीत से हल चाहते हैं, हमें हालात सुधारने की हमने कोशिश की है। साथ ही रूस ने नाटो का बड़ा दखल बताया है, यानी कि यूक्रेन युद्ध में नाटो का बड़ा दखल रूस ने बताया है। साथ ही कहा कि रूस ने यूक्रेन में शांति प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है, रूस के यूक्रेन ने समय की बर्बादी की, ऐसा कहना है पुतिन का। साथ ही कहा कि हमारे लिए आखिरी विकल्प था युद्ध, पश्चिम ने शांति पर सहमति नहीं बनने दी। तो कहीं ना कहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संसद में संबोधन दिया है और उन्होंने अमेरिका को भी अपने निशाने पर लिया। उनका यही कहना है कि यूक्रेन में आज जो हालात हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे पश्चिमी देश हैं, जिसके चलते आज यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही देशों के बीच शांति की बहाल जो है वो नहीं हो पा रही है।